तो फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो चलो ये आज का छोटा सा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो इसका हम स्टेटमेंट है, तो हम स्टेटमेंट रहने देते हैं, आपको थोड़ा सा डायग्राम से समझाते हैं और फिर डेफिनेशन समझाते हैं इसकी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको क्या बोलता है, तो देखो कहीं हमारे पास ऐसे एक इन्फेनाइट रिजिड बॉडी है, तो उसको एक ऐसा रॉड लगा हुआ है और वो रॉड की ऐसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, बोलो ठीक है। और कहीं ऐसा एक कहीं इस डिस्क में कहीं पॉइंट होगे, कहीं पार्टिकल होंगे, यहाँ यहाँ एक पार्टिकल है मान लो, कहीं यहाँ एक पार्टिकल है, कहीं यहाँ एक पार्टिकल है। तो इसको सेंटर ऑफ मास, उस सेंटर से ये डिस्क को जोड़ देते हैं सारे पार्टिकल, ऐसे इस तरह से हम जोड़ देते हैं, ये हमने जोड़ दिया है। और ये डिस्क ऐसे एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है। तो मान लो कि इस पार्टिकल का मास है m1, इस पार्टिकल का मास है m2, इस पार्टिकल का मास है m3, और ऐसे कई अनगिनत यह पार्टिकल हो गए यहाँ, इसलिए हम इस पार्टिकल को mn नाम देते हैं। तो ये पार्टिकल ऐसे घूम रहे हैं, इसका मतलब ये इस तरह से ऐसे v1 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये पार्टिकल ऐसे यहाँ v3 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये पार्टिकल यहाँ vn वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यहाँ देखो इस पार्टिकल से इस सेंटर तक का डिस्टेंस जो है उसे हम बोलते हैं रेडियस r1, और इसके डिस्टेंस को बोलते हैं r2, इसके डिस्टेंस को बोलेंगे r3, और इसके डिस्टेंस को बोलेंगे हम rn। बोलो समझ में आ रहा है। अब देखो अब आते हैं हम इसके डिफाइन पर। तो स्टेटमेंट इसका क्या होता है ज़रा देखो, ये बोलता है कि सम ऑफ द, किसकी सम, सम ऑफ द मास, और इसके साथ इसका प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी कि हम इसे कैसे मान ले ना, इसे ऐसे रख लेते हैं, तो इनर्शिया इजिकल टू सम कर रहे हैं हम इसकी, इसके प्रोडक्ट की सम कर रहे हैं, किसके प्रोडक्ट की, मास की प्रोडक्ट ही, और उसके साथ क्या है प्रोडक्ट, कौन सा, स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि आर का स्क्वायर। तो यानी कि हम ऐसे सम कर देते हैं, चलो देखो ज़रा इसको m1 r1 का स्क्वायर सम कर देंगे, तो किसकी, और m2 r2 का स्क्वायर प्लस क्या m3 r3 का स्क्वायर, ऐसे चलते जाएगा कहाँ तक, n नंबर तक। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि mn rn का स्क्वायर, बोलो मंजूर है। तो हम यहाँ ऐसे सबकी सम हो रही है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम, इसका समेशन का साइन यूज कर देंगे। अरे यार इतना कौन गंदा लिखता है भाई, तो ऐसे समेशन का साइन लिख दिया यहाँ हमने, और यहाँ i=1 लिख दिया, और कहाँ तक ये जा रहा है, n नंबर तक। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ज़रा mir का स्क्वायर, बोलो मंजूर है। अब देखो इस इनर्शिया को हम अगर इंटीग्रेट के फॉर्म में लिख दे तो क्या हो जाएगा, सम, यानी कि सम के लिए इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो i=, ज़रा देखो, इंटीग्रेशन ऑफ, ये मास है, मास चेंज होने वाला है, इसलिए यहाँ dm लिख दे, और इसके रेडियस का स्क्वायर लिख देंगे, जो पार्टिकल मास से उस एक्सिस तक है उसका स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर। तो ये एक इक्वेशन आ गया, और ये एक इक्वेशन आपको याद रखना है। तो इनर्शिया का यही, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यही एक डेफिनेशन के मुताबिक यही फॉर्मूला आता है, मगर हमको ये भी कुछ आगे जाके यूज होता है, तो इससे भी नोट कर लो। और तो ये यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ छोटा सा वीडियो करते हैं ख़त्म। तो तब तक के लिए फेरी ऑल द बेस्ट।